आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज दिन भर के समाचार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की लखनऊ में आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली के लिए आज गांधी पार्क से मंडल प्रभारी चौधरी नीरपाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ में आयोजित होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरपाल सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरपाल सिंह यादव जिंदाबाद। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार और माननीय मातंग जी के निर्देशन में संयुक्त रैली होने जा रही है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की लखनऊ के रामाबाई मैदान में। और आज उसी कड़ी में सहारनपुर से हमारे सभी कार्यकर्ता, महानगर प्रभारी अध्यक्ष हमारे इसरार भाई, परमवीर भाई लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमारी आरती शर्मा जी, समस्त हमारे सब कार्यकर्ता यहाँ से 4 बसें लेकर हम लखनऊ जा रहे हैं रैली को सफल बनाने के लिए। और भाजपा को मुँह तोड़ जवाब कल लखनऊ के रामाबाई मैदान में दिया जाएगा। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा को देश से भगाना है। और हमें अपनी पार्टी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतनी ताकत और मजबूत देनी है कि इन फिरकापरस्त ताकतों को हम घर बैठा सकें। आम आदमी पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के चौथे चरण की आज शुरुआत की, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य योगेश दहिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी सहारनपुर के अंदर दिल्ली का मॉडल पेश कर रही है। मैं योगेश दहिया, राष्ट्रीय परिषद सदस्य आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। आम आदमी पार्टी सामान्य लोकसभा 2019 की पूरी तैयारी में है। चौथा चरण हम लोगों का शुरू हो चुका है, जिसमें 684 गाँव और 123 वार्ड में हमारा पर्चा आम आदमी की चिट्ठी आम आदमी के नाम ये दी जा रही है। 2 नुक्कड़ नाटक की टीम, मानसी ग्रुप और इप्टा ग्रुप सभी गांव में और सभी वार्डों में जा रही है, जिसने 300 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक कर दिए हैं। और हमारी टीमों के द्वारा जो है नववर्ष का कैलेंडर, डायरी और घर घर जाकर हर घर पर दस्तक देने का काम हम लोग कर रहे हैं। सामान्य लोकसभा 2019 में दिल्ली के मॉडल को सहारनपुर में लाने की भी पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी की है। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली रोड स्थित मेडिग्राम द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज एक मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली बार लेजर के प्रयोग से बवासीर, भगंदर एवं फिशर की सर्जरी की शुरुआत की गई। साथ ही डॉक्टर रवि जैन ने रोगियों की जांच कर सर्जरी के लाभ व सुविधा की जानकारी दी। शिवर मेडिग्राम की जो हमारी एक लक्ष्य है कि हम सहारनपुर में हर वो टेक्निक जो कि दुनिया में उपलब्ध है अच्छी से अच्छी, सहारनपुर में लाना चाहते हैं, उसके उपलब्धि को पूरा करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ने लेजर सर्जरी की टेक्निक को शुरू किया है 6 महीने पहले मेडिग्राम में। इस टेक्निक से हम काफ़ी इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो आज हम कैंप कर रहे हैं इसमें हम मेनली सिर्फ जो पेशेंट बवासीर, फिशर और फिस्टुला, भगिंदर से ग्रस्त हैं उनको ले लगाया गया है, क्योंकि लेज़र का इन बीमारियों में बहुत बढ़िया रोल पाया गया है। और ये सर्जरी हम इन बीमारियों में बिना टांके, बिना खून बहे, बिना दर्द के, बिना पट्टी के इलाज सक्सेसफुल इलाज हो रहा है। तो उस उपलब्धि में लगाया है इस टेक्निक का यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि मरीजों को जानकारी मिल सके इस टेक्निक की, ये टेक्निक भी सामने उपलब्ध है। देखा जाए तो ये टेक्निक हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली बार आई है, दुनिया में तो सब जगह पे है, लेकिन ये सहारनपुर में हम इसको पहली बार लेकर आए हैं और आसपास के जिलों में भी ये टेक्निक उपलब्ध नहीं है। और पिछले 6 महीने से हम काफ़ी सर्जरी इस टेक्निक से कर चुके हैं और उन सब के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आगे जानकारी लोगों को देने के लिए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी घर घर में पहुँच सके, तो ये हमने शिविर लगाया है ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक का आयोजन आज जिला कार्यालय पर किया गया, जिसमें पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी ने बैठक को संबोधित करते हुए एकजुटता व शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बिना शिक्षा के समाज की तरक्की संभव नहीं है। चलाया है
और मैं खास तौर से जो मैंने कहा कि पॉलिटिकल पावर जरूरत है, जरूरी है, उसी तरह से आपको एजुकेशनल पावर नॉलेज उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लोग ये बहाना करते हैं कि गरीबी की वजह से नहीं पढ़ सका, गरीबी की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ाया, वो एक बहाना है, महज बहाना है, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा मिसाल है। देश का भारत रत्न हासिल करने वाला, हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, भारत का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, एक मछुआरे घर के लड़के लैंप पोस्ट के नीचे पढ़कर करके अपने आप को इतनी ऊंचाई तक ले गए। तो ये है पढ़ाई का पावर। और है कि आप भी अपने पुरानी पेंशन बहाली हेतु जन चेतना रैली घरिमिन उपरांत आज सहारनपुर पहुंची, जिसका मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारी संघ द्वारा रैली का स्वागत किया गया। इस दौरान शाह फैसल, राजवीर, अनिल, कपिल पुंडीर, नवदीप शर्मा, विपुल शर्मा, अनिल कपूर सहित भारी संख्या में संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर वो लोग जो है 2-4, 6-10-20 लोग ही चले, शिक्षा मित्र नौशाद जी, नौशाद जी आप जानते होंगे, धीरज सैनी है, तो ये सब लोग हैं, इनसे थोड़ा सा संपर्क कर ले, अभी जो टाइम है वहाँ साथी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने जो शिक्षक नए कर्मचारी हैं, नए साथी हैं, उनको आप ये बात समझाइए। अटेवा को हमारा समर्थन है बहुत सारे, जिस गति से आगे इस मांग को बढ़ना चाहिए था या कोई निर्णय होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और उसकी वजह ये है कि अटेवा के जोश और एस्पोर के होश दोनों मिलकर जब काम करें।